क्रॉसिंग्स भी टूटी पड़ी हैं नालियों की। हाँ, और दूसरा सीवरेज का दो तीन नदी है प्रतिबंधित के लिए, तो मंदिर के सारे मंदिर से अंदर में एक कुटिया रोड पर रोड पे कुटिया रोड का जो इंसान आ गया है वो वहाँ पर नहीं, तो उसमें ये तो होके कौन से लाइन में क्या क्या है उसको करवाओ तो सही। नहीं लाइन कभी जलेगी चीज भी जलेगी, लेकिन आज तो वर्तमान में तो वो हराश होना है उसको, तो कोई टाइम नहीं है, कोई समाधान तो नहीं है आज के बाद की। लेकिन ये करवाओ आप जो भी जान रबड़ है। एक सीवरेज, सीवरेज का क्या चल रहा है आप ये बताओ ना। सीवरेज वाले की है ना अलग से मीटिंग है ना। एक अलग से इसकी मीटिंग बुलाओ आप अलग से, और बुला करके उसमें सारी चीजें आप सब लोगों को लेके आए उसके पास में रखिए, कहाँ कहाँ दिक्कत है क्या सारी दिक्कत साहब सीधे है तो रोको। लेकिन मैंने बापा नहीं बता करना है आगे वो देखने वाली बात है। आप दफाई वाली व्यवस्था भी सुधारो, और शीतला मंदिर वाली लाइन का क्या कर रहे हो आप इसमें ये देखो आप चक्कर में लेकिन देखो जो जवाब अपन दे रहे हैं उस जवाब से पब्लिक संतुष्ट होने वाली नहीं है। आपका और हमारा काम और दायित्व और ड्यूटी हमारा धर्म ये है कि हम जनता को संतुष्ट करें, ये हमारा दायित्व नहीं क्या? तो हम बार बार कहते हैं साहब ये नहीं आया साहब आएगा तब कर दें, इस बात से जनता अपनी जवाब देगी भाई, जनता की शक्ति प्रतिबद्धता है तो हम लोग उसको जवाब उनको दें संतोष में दें, तो जब हमारे पास रिंग आएगी कुछ करेंगे तो दे पाएंगे। रोज को पाकर रिंग आवेज करते हैं तो ये जवाब सुनने के लिए लोग तैयार नहीं है। इस पर आप काम करो इसका ये लिस्ट इसकी एक कॉपी होने वालों एक कॉपी मुझे दे दो एक कॉपी चेयरमैन साहब को, और इसकी कमेटी बनाओ आप दो तीन पार्षद को शामिल करके इसका सत्यापन करवाओ। जो काम हो गए उसकी रिपोर्ट दिया जाएगी, और जो काम शुरू नहीं हुए उनकी टेंशन करो ठीक है, और जो पहले के कभी हुए हुए हैं उसको इसलिए भी जरूरत है उसको भी कैंसिल करो, और जब तक इसका पूरा सत्यापन नहीं हो जाता किसी का बिल नहीं बनना बड़े बढ़ाओ आप किसी का भुगतान नहीं करो ठीक है। सरकारी पार्क को बहुत गांधी पार्क गेट और तोड़ दिया गांधी पार्क का, गांधी पार्क क्या बनाना चाहते हो आप गेट और तोड़ दिया एक भी और उनका छोड़ा देख के कराएंगे। क्या क्या प्लानिंग क्या गांधी पार्क की आपकी क्या करना चाहते हो आप? गेट तोड़ने की आवश्यकता हो गेट को गेट खोलने ने किसी तोड़ दिया वो थोड़ा था आज की तारीख में लगता है पार्क है आप जाके तो लगता है कहीं धूप है कहीं कोई पौधा खड़ा है उसके अंदर अभी तो क्या है धूप लगाने का काम चल रहा है उसके बारे में ना बैठ के बात करेंगे बात करेंगे वो नहीं मैं कंप्लीट नहीं मैं पहले चेंजिंग भी करनी है अपने अब बैठ के बात करा बच गया व्यवस्था करनी थी मैंने सेट करनी है आप बैठ गए जैन साहब ले लें यू साहब ले लें मैं थोड़ा मंथन करा वहाँ क्या एक लेडीजों के लिए अलग से धूप की व्यवस्था थी वो और वहाँ इन्होंने झूले वगैरह लगा के अब लेडीज वहाँ उस पार्क में घूम नहीं सकती तो हमारी चाहे वो जो झूले वगैरह आप लगा रखे ना वो पार्क वो, उस साइड लगाओ अब वो एक लेडीजों के लिए वो उधर लेडीज बैठती थी पहले 250-300 रोजाना सुबह से सारा सिस्टम खराब कर दिया चलो वो तो व्यवस्था ऐसी थी इन ये तो अभी तक सही थे लेकिन कुछ लोग आ गए वहाँ आगे उनको चेंज कर दिया वो सारी व्यवस्था खराब की जैन साहब का रोल बिल्कुल सही था आम आदमी को पार्क की सुविधा मिले वो काम लेडीजों के लिए एक वहाँ बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए वो भी अपने बात करेंगे उसकी सड़क दुर्घटनाओं में डेथ बढ़ गई और भारत का सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि डेथ कम करनी है। पीडब्ल्यूडी से जो भी अफसर हैं हम लोग रोड साइंस नहीं लगाते हैं रोड बनती है रोड साइंस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं
रिसेंट पिछले दो महीने में पब्लिका के पास में 7 डेथ हो चुकी है, 2 इंसिडेंट, एक में 4 मरे हरियाणा के, एक में अभी 3 मरे कुछ दिन पहले, एक अभी सीरियस है। इसको कम कैसे करना है? हम सारे विभागों के लोग बैठे हैं, हम लोग ही इसको कुछ को, इस पर कुछ काम करके कम कर सकते हैं। 2-3 चीजें की जा सकती है। हमारे डिपार्टमेंट के जितने ही आदमी हैं, जितने अफसर हैं और हमारे कलीग हैं, वो सारे हेलमेट पहने। हम सबको पता है कि हेलमेट से ही हमारा जीवन बच सकता है, सीट बेल्ट लगाने से हमारा जीवन बच सकता है, लेकिन हमारी आदत में शुमार नहीं है। वो आदत में जब हम एनफोर्समेंट की कार्रवाई करते हैं, चालान करते हैं, तो सभी को नाराजगी होती है कि साहब पुलिस चालान कर रही है। पुलिस के पास उस चालान का पैसा नहीं जाता है, वो चालान का पैसा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जाता है, तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से फाइनली वो उसमें से कुछ पैसा हेल्थ डिपार्टमेंट में जाता है, जहां ट्रॉमा सेंटर वार्ड बन रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उसका पैसा हेल्थ में देता है। पब्लिक की निगाह में तो खलनायक बन गए हम, हमारे पास कुछ नहीं है उस चीज का। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि टैक्स कम करनी है। हमारे यहाँ के भादरा के तीनों थानों में ईयरली 20-20 से ज्यादा डेथ हो रही है, और मर्डर हमारे है ना साल में 2 या 3, वो हम लोगों की नेगलिजेंसी की वजह से हो रहे हैं। तो पीडब्ल्यूडी अपने ही रोड मार्क्स ठीक लगाए। दूसरा, जैसे आबकारी बैठे हैं, आपके हाईवे के ऊपर शराब का कोई विज्ञापन नहीं होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन है। रिसेंट मैंने आपके जिला आबकारी अधिकारी को लेटर लिखा है कि रोड के ऊपर से शराब का विज्ञापन जो बोर्ड लगा है, शराब की दुकान इधर है, ये ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। कल अभी हो सकता है कि आप रेवेन्यू कलेक्शन के ना जोर दे रहे हैं, आपका काम रेवेन्यू बढ़ाना है, पर हमारा काम दूसरा है कि डेट कम करनी, एक दूसरे कंट्राडिक्टरी है। हम कहेंगे घटाओ, तुम कहोगे लगाओ, लेकिन कल आपका भी बच्चा है ना एक्सीडेंट हो सकता है, और जिस घर का बच्चा एक्सीडेंट होता है जो ज्यादा है ना, वो उस पर ही गुजरती है, बाकी किसी को कुछ पता नहीं चलता। मैंने अभी रिसेंट में रिडकोर को लेटर लिखे, फॉरेस्ट से कौन है, मैंने रिडकोर को लेटर लिखे मेरे एरिया में कि आप रोड शोल्डर 5-5 फीट बिल्कुल क्लीन करो। रिडकोर ने चिट्ठी लिख दी फॉरेस्ट को, फॉरेस्ट परमिशन दे। अब बस चिट्ठी चिट्ठी लिखे जा रहे हैं, रिडकोर पैसा ले रही है टोल का, ना तो फॉरेस्ट कोई रिप्लाई दे रहा है, ना कोई बात, और पब्लिक मरती जा रही है। और नया जो मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में एक नया प्रावधान आया है कि रोड अर्निंग एजेंसी, उसमें चाहे पीडब्ल्यूडी के अफसर हैं, चाहे एनएचआई के अफसर हैं, या टोल प्लाजा के कोई मैनेजर हैं, हम उनको भी मुलजिम बनाएंगे। जब आपको लाइबिलिटी दे दी कि आपको रोड को मेंटेन करना है, आप नहीं कर रहे हो, तो अल्टीमेटली आप लोग यदि मुलजिम बनना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज फिर हमारे हिसाब से तो आप लोगों को रोड शोल्डर को ठीक करवाना चाहिए। फॉरेस्ट से भी कोई परमिशन मांग रहे हैं तो आप दो परमिशन। रोड की जगह में यदि कोई पेड़ लगा हुआ है, झाड़ियां लगी हुई है, घास उग गया, उसको क्लीन कौन करेगा? एक दूसरे के ऊपर डालने से तो बच नहीं सकते ना। झाड़ियों को हटाने के लिए तो कोई मनाही नहीं है सर, बड़े पेड़ है उनके लिए कोई परमिशन पेंडिंग है तो वो मैं दिखा लेता हूं अपने। मैंने आपके हनुमानगढ़ वो जोरा जी है उनसे भी बात की, रिडकोर वालों के लेटर और मेरे लेटर भी मैंने उनको व्हाट्सएप किए, लेकिन नतीजा मुझे कुछ ज्यादा मिल नहीं रहा। अभी जब ये 4 की डेथ हुई थी ना, कुछ लोगों ने मेरे सामने प्रतिक्रिया व्यक्त की, तो मैंने तो कहा दे भाई मैंने ये लेटर भी लिख रखे हैं। इसके अलावा इनका मैं कुछ ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन करनी चाहिए ये हम सबको, ना ये हमारी ड्यूटी है। रोड ठीक रहेगी तो हमारे ही लोग बचेंगे, अदरवाइज तो ठीक है, कल किसी के साथ भी हो सकती है वो डेथ। मेरा आप लोगों से आग्रह है
कि आप अपने अपने विभाग के सारे सबोर्डिनेट्स को तो कहो कि आप तो हैबिट में है ना ये चीज आओ कि हमें पालन करना है, हेलमेट लगाना है, सीट बेल्ट करना है, फिर हम दूसरे लोगों को एजुकेट करें आम पब्लिक को। मैम मेरी आपसे भी निवेदन है कि धीरे धीरे कि हमारे एसडीएम ऑफिस में पब्लिक जो भी आए हेलमेट लगा क्या है, हमने आदत से बिल्कुल ही बंद कर दिया हेलमेट लगाना ही, पर हाईएस्ट भी चालान में पब्लिक को क्या थोड़ा सा ऐतराज है कि साहब 1000 रुपया जुर्माना है। आम आदमी जो ये कहता है साहब 1000 रुपया जुर्माना है, आप 1000 रुपया कहाँ से पे करें? हम जुर्माना नहीं लेना चाहते, हमारे पास कोई टारगेट नहीं है इस बात का आपको इतने चालान करने हैं, हमारे पास टारगेट क्या है, रोड एक्सीडेंट में डेथ कम करनी है। अब हेलमेट लगाओ ना, गवर्नमेंट ने प्रोविजन कर रखा है कि नए बाइक के साथ में आपको फ्री में हेलमेट दिया जाएगा, और वो दिया जाता है। हमने बहुत बार, में पहले पीएचक्यू में पोस्टेड था, बहुत बार हमने डीटी ऑफिस से कहा कि आप तो रिसेंट 50 जो रजिस्ट्रेशन हुए ना उनके नंबर और उनके कॉन्टेक्ट नंबर दो दो। हमने हमारे ऑफिस से उनको रेंडमली कॉल करके पूछा कि वे तुमको हेलमेट दिए क्या, तो वापस लोगों का रिप्लाई था कि जी हमको जिसने बाइक बेचा है उसने हेलमेट भी हमको दिया है, लेकिन अब हम पहने नहीं तो हम क्या करें। अपन सारे ही सारे एजुकेटेड लोग अपने अपने आदमी को तो कम से कम कह सके, बाकी देखेंगे आप। ठीक है, ये मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने सारे कलीग को कहेंगे कि आप हेलमेट लगा के आए या सीट बेल्ट लगा के आए। सर एक तो ऊंट गाड़ी और जो ट्रॉली है ना उसपे रेडियम के रिफ्लेक्टर लगवाए जाए, कोई अभियान चला बिल्कुल लगवा, क्योंकि ये देखा है अभी काफी, और एक एक्स्ट्रा लाइटें जो लगाते हैं ना बिल्कुल सर उन पे कोई कार्रवाई अगर कानूनी तौर पे हो सकती है, एक्स्ट्रा लाइटों की वजह से बड़ी दिखते हैं बहुत ज्यादा, रात को देखा है खुद ड्राइव करते हैं देखा है चल ही नहीं पाते हैं, और एक ऊंट गाड़ों पे ट्रॉली पे रेडियम रिफ्लेक्टर लग जाए अपने गाँव में अभियान चल जाए इस तरह का, उससे काफी साथ में कुछ चिंता रोड एक्सीडेंट को लेकर के आपने चिंता लिखी, इसमें निश्चित तौर से अभी पिछले दिनों दुर्घटना हुई है, ये चिंता का विषय। इसमें रोड पर जो ओवरस्टेप जो बाधाएं हैं जैसे आपके झाड़ी वगैरह ये पेड़ अभी बन हुआ, इसमें फॉरेस्ट के साथ आप बैठ करके साथ फॉरेस्ट पड़ोसी कहूँगा कि वो कई जगह इस तरह की बात है कि दिखता नहीं कुछ भी, इधर से दिक्कत दोनों तरफ से आ रहे हैं, ऐसी झाड़ियाँ या कोई पेड़ इस तरह का कोई है तो उसको हटना, ताकि कई जगह तो लगातार एक्सीडेंट के कारण बढ़ रहे हैं, झाड़ियाँ खड़ी है पेड़ खड़े हैं साइड पे और वो दिखता नहीं है तो कहीं कहीं एक्सीडेंट उससे होता है, तो इस चीज़ पर जरूर ध्यान दें। कुछ जगह रोड वाले भी बैठे हैं पीडब्ल्यूडी वाले, कुछ जगह रोड पे भी ऐसे गड्ढे अनावश्यक कोई ब्रेकर कई चीजें ऐसी है जो दुर्घटना का कारण बनता है, तो इन सब बातों के लिए है ना बैठ करके आप डिप्टी साहब से डिस्कस करके ज्यादा देखते हैं तो इसको आप जरूर दिखाएं। दूसरा साहब कानून और व्यवस्था के लिए आपने कुछ बातें कही या कहना लोगों ने मुझे कही है, अब ये सर्दी का मौसम आ गया, चोरी की घटनाएं विशेष करके सर्दियों में ज़्यादा शुरू हो गया, अभी पिछले दिनों जो सरदार स्थल बना हुआ है बटवा के पास यहाँ से गेट ग्रिल एंगल वगैरह काफ़ी सामान सरदार स्थल से उठा करके ले गए, वहाँ टायरों के निशान भी बड़ी गाड़ी के दो दो टायरों के निशान भी हैं, तो चोरी की घटनाओं को सर्दी का मौसम अब आ गया, शुरू से हम इसमें सावचेत होकर चले तो इन घटनाओं पर अंकुश लग सकता है। CCTV कैमरे दिखाने के लिए लगा रखें केवल औपचारिकता पूरी करें फॉर्मेलिटी के लिए, थोड़ा सा इसमें रोड टैक्स में तो लगे शायद बाकी कई जगह बंद पड़े हैं या हटा दिया कार रख गया और रख गया, तो कुछ CCTV कैमरों के लिए भी बैठ के ये लगवाने का काम करें ताकि चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने में कुछ चोरी की घटनाएं बढ़े, तो चोरी की घटनाएं भी बढ़ रही है, इसके लिए जो जिस तरह की घटना हुई है ये कयास लगाया जा रहा है कि भाई इसमें नशे टाइप के लोग, अब मैं फिर कहना चाहूँगा कि इस बॉर्डर एरिया में
चिट्टा जैसे मादक पदार्थ की तस्करी जो पिछले समय से बढ़ी हुई, और दूसरे चाहे वो दारू के तस्कर हों, चिट्टे के हों, मेडिकेट में साथ बेचने वाले या जो भी रात को अनावश्यक रूप से घूमते हैं, तो तस्करी पर भी लगाम लगाने की आवश्यकता है। अब ये चिट्टा तो सामने जगह बाकायदे चिन्ह थे डिप्टी साहब आगे खड़े होते हैं मोटरसाइकिल लेके, कोई हेड है कोई और है जगह जगह, तो इसके लिए आप भी इनकी सबकी मीटिंग लेकर के वहाँ आप गश्त बढ़ाए, थोड़ी सी इस पर सख्ती रखें आप, ताकि चोरी की घटनाएं भी रुके, नशे की प्रवृत्ति में कोई युवा वर्ग को नशे की गर्त में धकेला जा रहा है, तो एक समाज का सुधार हो। तो इस तस्करी पर भी रोक लगाने की आवश्यकता, रोड एक्सीडेंट से बचने के लिए कुछ उपाय हैं, सीसीटीवी कैमरे वगैरह ये सारी चीज़ें जो हमने कही हैं, इस पर अलग से बैठ करके आप दिन दिन महकमों से मदद लेनी है, इसको थोड़ा सा गंभीरता से लें। दूसरा, अपराध नहीं बढ़े इलाके में, इसके लिए जो भी उपाय अपने से बन सकते हैं करें। और एक थोड़ा सा ये भी है कि भाई जो हो गए अपराध तो FIR होने में उसकी जाँच में विलम्ब नहीं होना चाहिए, लोगों को न्याय मिले, एक संदेश जाए कि नहीं भी पुलिस प्रशासन है हमारी रक्षा के लिए है, हमारी लाइन ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए है, तो एक अच्छा संदेश जाए, लोगों को न्याय मिलता हुआ दिखना चाहिए। ये सारी बातें आप भी लिखेंगे तो इसलिए थोड़ा सा इसको गंभीरता से आप लेंगे ऐसा मिला। बाकी और कोई बात है तो बताओ, कोई और डिपार्टमेंट है और कोई महकमा कोई अपनी बात बताए, कोई है ऐसा बैठी देवी की बुलाओ के तो एक बार लगा रहा हमारे पास में मौसी बनाने होंगे सारे से हर गांव में देश पंचायतों में उसका लेवल दे रहे हैं दे रहे हो नया सारी है और एक दिन और हम मेरी बात सुनो, जो उसकी आप जो भी दे रहे हो आधा जो भी दे रहे हो कैंपा में भी पिछवा दी हाँ, जो कैंप चल रहे हैं सर्दी का मौसम आ गया, ये कई चीजें हैं जो आपकी कार्यरत जाएगी सर, तो आप कैंप में भिजवा दो ताकि भीतर हो जाए उन्हें शुरू किया, और अभी योजना लाभ भी मिले की जानकारी भी दे दे लोगों ने, तो कैंपों में जो है ना जरूरी नहीं है कि आप 17 जो फ्लैगशिप योजनाएं उसके उसको लेके चले, आप कुछ चीजें हटके भी है तो यहाँ जाके वितरण को, जैसे कहने का मतलब ये है कि लोगों को लाभ मिलना चाहिए इस तरह जनता को लाभ मिले ये कैंपों में हम कर सकते हैं, इससे हटके भी ये नहीं है कि भी ये सारी योजनाएं हैं इसी पे काम करें आप, इन पे तो काम कर रही है एक्स्ट्रा काम करते हो अच्छी बात है, तो कैंपों में थोड़ा सा लोगों को दान भी मिले दिन देखने बढ़ता है। बाकी आ गया सर करो अभी मान लो बाकी है मान लो बाकी अच्छा बंद करोगे।